नमस्ते बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है ना? तो पिछली कक्षा में हम मात्राएं क्या है ये सीखा, मात्राएं क्या है और मात्रा कैसे हम व्यंजनाक्षर के साथ जोड़ते हैं इसके बारे में चर्चा की है। तो आज हम मात्राएं पढ़ेंगे। तो ये है आ, आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा। इसी तरह स्वराक्षर, हर एक स्वराक्षर को हर एक मात्रा होते हैं। ए है आ की मात्रा, यानी ए आ स्वराक्षर के बदले प्रयुक्त होने वाली मात्रा है। ठीक है, तो ना के साथ यानी हर एक व्यंजनाक्षर के साथ ए आ की मात्रा जोड़े तो उसका उच्चारण आ ध्वनि के साथ होता है। अदायद हमारे व्यंजनाक्षर के इधर व्यंजनाक्षर के निकूड़े आ की मात्रा लगाई जाती तो उसका उच्चारण आ ध्वनि के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ना के साथ आ की मात्रा लगाई जाती तो ना, जोर से बोलिए ना। और मा के साथ आ की मात्रा लगाई जाती तो मा। और सा के साथ आ की मात्रा लगाई जाती तो सा। कैसे उच्चारण करेंगे हम? सा। तो यही आ की मात्रा है। ये बहुत ही सिंपल है। हाउ टू राइट दिस चिल्ड्रन, बहुत ही सिंपल है। इसे पहले जो स्टैंडिंग लाइन है, देन स्लीपिंग लाइन है, ये अक्षर के साथ जोड़कर ही आ की मात्रा हम लिखते हैं, है ना? तो ए ना प्लस आ ना, मा प्लस आ मा, सा प्लस आ सा, और इससे बने हुए दो दो शब्द हैं यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए बच्चों, नाला नाला नाना। नेक्स्ट मा, माला माता। और ये सा है, सात सारा। ठीक है, तो ये आ की मात्रा वाले दो दो शब्द यहाँ लिखे गए हैं। एक बार भी मैं दोहराऊंगी, नाला नाना, माला माता, ए सात सारा। ठीक है, समझ गए हम लोगों ने? ए आ की मात्रा है, ए व्यंजनाक्षर के साथ जुड़े होकर आ ध्वनि के साथ हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, आ ध्वनि के साथ। तो ये आ की मात्रा अक्षर के साथ यानी व्यंजनाक्षर के साथ जुड़े हुए तो इसका उच्चारण कैसे होगा? आ ध्वनि के साथ होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगले हैं ई की मात्रा। ठीक है, अगले हम ई की मात्रा पढ़ेंगे। ए है ई। ई की मात्रा हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ए ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये अक्षर के पहले ही हम लिखते हैं। ई की मात्रा अक्षर के पहले ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे हो गए? ध्यान से देखिए बच्चों, ना के साथ ई की मात्रा लिखाई जाती तो नी। कैसे उच्चारण करेंगे हम? नी। और ए ह्रस्व स्वर है, ए ई छोटे ई है, ए ह्रस्व स्वर है, तो ये उच्चारण करते समय कमी शब्द में उच्चारण कर सकते हैं। तो ई ना के साथ ई की मात्रा लगाई जाती तो कैसे उच्चारण करेंगे? नी। मा के साथ ई की मात्रा लगाई जाती तो मी। कैसे? मी। और सा के साथ ई की मात्रा लगाई जाती तो सी। ठीक है, तो बच्चों यही ई की मात्रा है, ये अक्षर के पहले हम लिखते हैं। और ना के साथ ई की मात्रा लगाए तो उसका उच्चारण यानी हर एक व्यंजनाक्षर के साथ ये ई की मात्रा लगाई जाती तो उस अक्षर का उच्चारण करते समय किस ध्वनि का कैसे होते हैं? ई ध्वनि के साथ होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगले मात्रा हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो एक साथ एक और बार दोहराइए, ए ई की मात्रा है और हम पहले
आ की मात्रा भी पढ़ चुके हैं। कैसे होते हैं आ ध्वनि के साथ, ए ई की मात्रा है, ए ई ई इसका उच्चारण करते समय ई ध्वनि के साथ होते हैं, ठीक है।